हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार नहाने के बाद हमारी बॉडी पर काफी ज्यादा इचिंग होने लगती है। चलिए आज जानते हैं कि नहाने के बाद आखिरकार हमारी बॉडी पर इचिंग होने के कारण क्या है और इनके उपाय क्या हैं। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वाटर यानी कि खारे पानी से स्नान करते हैं तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पर काफी ज्यादा खुजली होती है। अगर आप नहाने से पहले अपनी बॉडी पर उबटन लगा रही हैं या फिर स्क्रब लगा रही हैं और उसे धोने के चक्कर में जल्दबाजी में आपने सही तरीके से अपने बदन को साफ नहीं किया है तो अक्सर कई बार वही स्क्रब हमारी बॉडी पर चुभता रहता है और इसकी वजह से भी हमारी बॉडी पर खुजली काफी ज्यादा होती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और आपने नहाने के बाद अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर नहीं लगाया है तो कई बार इस वजह से भी हमारी बॉडी पर खुजली होना शुरू हो जाती है। तो कई बार हमारे कपड़े ही हमारे शरीर पर होने वाली खुजली का कारण होते हैं, इसीलिए नहाने के बाद हमें हमेशा धुले हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। अगर आप एक दिन के यूज कपड़े पहनेंगी तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी पर रैशेस और खुजली काफी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अच्छे मॉइस्चराइजर का प्रयोग करिए और हार्ड वाटर का इस्तेमाल करने के बजाय सॉफ्ट वाटर का इस्तेमाल करके उसी से स्नान करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।